नमस्कार, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं फिल्म एक्सपर्ट रोहित देवेंद्र। रोहित देवेंद्र लंबे अरसे से फिल्म के पर लिख रहे हैं, करीब 12 साल से वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और करीब करीब 8 सालों से वो अमर उजाला जैसे बड़े संस्थानों से रुक करके फिल्म के सारी पहलुओं पर पूरी पड़ताल कर रहे हैं। अभी फिलहाल में वो दैनिक भास्कर के रसरंग पर नियमित रूप से लिख रहे हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करूंगा, सुशांत की जो पूरी कंट्रोवर्सी है, सुशांत राजपूत की सुसाइडल कंट्रोवर्सी है और उसके पीछे के जो कई तरह के जो सोशल मीडिया में कारण आए, कई तरह की बातें आती रही, वो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी रहे, आपको ऐसा लगता है क्या कहीं कि कोई नेफिटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में भी पनप रहा है या कोई और दूसरे तरह के प्रेशर्स रहे होंगे? वरुण जी, इसमें कोई ऐसी मौत जो अपने समय से पहले होती है, कोई ऐसी मौत जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा एक मन उसके सहज कारणों के पीछे जाता है। तो सुशांत के साथ में जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और उसके लोग अपने उसके अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्ग ये मान रहा है कि उनकी कुछ फैमिली लाइफ थी, वो डिस्टर्ब हुई और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आए, लेकिन कल के बाद से कल कंगना रनौत का एक वीडियो आया और उन्होंने एक आरोप लगाया कि सुशांत के साथ में इंडस्ट्री का एक तरह का सौतेला व्यवहार था, इस वजह से कि वो बाहर से आए थे और उनके हाथ से एक के बाद एक फिल्म छीनी गई और इस फिल्म छीने जाने की वजह से वो एक तरह के डिप्रेशन में आए और उनकी मौत की वजह कंगना के अनुसार और बाद में शेखर कपूर ने सीधा तो नहीं कहा लेकिन उन्होंने संकेत किए कि हाँ उनके पास से फिल्में जा रही थी। एक फिल्म के जानकार के आर के हैं तो उनका भी एक ट्वीट है, उन्होंने भी बहुत पहले ट्वीट किया था फरवरी में, उसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत के पास से एक के बाद एक फिल्में गई हैं। तो इस तरह से एक वर्ग में ये एक बात चल पड़ी है, क्या सुशांत सिंह के पास फिल्म ना होने की वजह से उन्होंने इस मौत का रास्ता चुना जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब आपको लगता है कहीं जो जी आपकी आवाज बीच में इंटरप्ट हो गई थी, प्लीज रोहित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बीच में आवाज इंटरप्ट हो गई थी, अभी ठीक है जी। जी, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या वास्तव में जो कुछ भी बातें की जा रही हैं, जो कुछ भी बातें की गई सुशांत राजपूत के सुसाइडल केस पर बाद में, क्या वो बातें कहीं भी ठहरती हैं सच के आसपास? क्या एक सामान्य साइकोलॉजी के बियॉन्ड जाके बात करें, अगर अगर वरुण जी अगर आपका करियर पर आपके प्रश्न उठाए जाते हैं कि आपका करियर अनस्टेबल है, तो वहां पर कयास नहीं बल्कि आपकी जो पिछले काम हैं उनके अनुसार कोई फैसला होना चाहिए। आप सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सुशांत के पास जो भी फिल्में थीं वो कोई छोटे बजट की फिल्में नहीं थीं, वो बड़े कलाकारों की, बड़े बैनर्स की और इंडस्ट्री के जो बड़े निर्देशक हैं उनकी फिल्में थी। उनका करियर 2011 में शुरू हुआ और जो है एक के बाद ऐसे लोगों को अपना काम करने का मौका मिला जो इंडस्ट्री के क्रीम लोग थे, वो चाहे प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो फिल्म स्टूडियो हों। तो और उनकी आखिरी फिल्म जो थी वो स्पीड थी, जो उसमें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई, वो सीधा नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई। तो और उसका जो निर्माता कंपनी थी वो एस करण जौहर की फिल्म थी, तो करण जौहर की फिल्म में वो थे और यही आरोप भी लग रहा है कि जो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं उनको अवॉइड कर रहे थे। जब आपके पास लाइन से ऐसे बैनर के साथ में आप काम कर रहे हैं तो इस आरोप में उतनी दम नहीं लगती मुझे कि आप, यदि आपको इंडस्ट्री से एक बड़ा प्रोफेशनल धंधा होता है, ये हर आदमी को अच्छे एक्टर चाहिए होते हैं, अच्छे एक्टर को अच्छे बैनर चाहिए होते हैं,
अच्छे बैनर को अच्छे डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो फिल्म एक किसी एक का माध्यम नहीं है, फिल्म कई लोगों का एक सामूहिक प्रयास है। उस सामूहिक प्रयास में जब जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर प्रोफेशनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर व्यक्ति के छोटे छोटे वाद बहुत काम नहीं करते। वहाँ पर आदमी सिर्फ ये देखता है कि इस समय हमारे लिए कौन कलाकार सबसे मुफीद है और किसके साथ हम पिक्चर ले जाएंगे तो इसके चलने के चांस ज्यादा हैं। तो मैं इस चीज पर, इस थ्योरी पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि सुशांत के खिलाफ कोई एक मोनोपोली तैयार की गई, सुशांत के खिलाफ कोई एक मुहिम तैयार की गई कि नहीं इनको फिल्में देखनी है, इनके साथ में काम नहीं करना। जी। अब बीच में थोड़ा इंटरप्शन आया था, आप आखिरी की कुछ बातें थोड़ी मिस हुई हैं, आप चाहें तो उनको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि जिस प्रोफेशनल लहजे में, जिस प्रोफेशनल रंग ढंग से इंडस्ट्री चलती है, वो अगर ये छोटे छोटे वाद करने में पड़ जाएगी। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कोई अगर एक बेटा आमिर खान का है और एक एक लड़का आउटसाइडर है, दोनों की जो शुरुआत होगी निश्चित रूप से आमिर खान के, क्योंकि वो इंडस्ट्री का लड़का है, उसने सबसे उसने अपने आस पास देखा है, तो फिल्म से जुड़े लोग हैं, तो उसके लिए वो माहौल ज्यादा फैमिली होगा। लेकिन एक नया लड़का, अगर उसके पास टैलेंट आमिर खान के उस लड़के से ज्यादा है, तो निश्चित ही ये चीजें बहुत दिन तक मायने नहीं रखती हैं कि आपकी शिनाख्त क्या है, आप आए कहाँ से हैं। मतलब ये अभी का एक ट्रेंड भी है कि कोई भी वाकया अगर देश के अंदर होता है तो उसको कोई ना कोई किसी न किसी कोर्ट का रंग दिया जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी आंगन में ले जाकर उसको खड़ा कर दिया जाता है। आप मानते हैं रोहित कि इस मसले में भी कंगना रनौत ने जिस तरह से बात की उसमें ये मामला है कि उन्होंने इसको कहीं किसी दूसरे खेमे में ले जाने की कोशिश की, कहीं दूसरे आंगन से बात करने की कोशिश की? ये आप ये बात सही कह रहे हैं। असल में क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा आसान होता है। जो जो आरोप या जो बातें कंगना ने कल कही, अगर ये बातें जो हैं वो कोई ऐसा ही एक्ट्रेस कहती जिसके ऊपर किसी विचारधारा का टैग ना होता, तो शायद उसकी बातों को उतनी अहमियत ना मिलती। कंगना के साथ में एक विचारधारा का टैग जाने अनजाने चस्पा हो चुका है, तो उसी टैग के आधार पर उनके समर्थन करने वाले लोग भी हैं और उसी टैग के आधार पर, सिर्फ उसी टैग के आधार पर, उनको फिल्मों से मतलब नहीं है, उसी आधार पर उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं। जैसे जो दीपिका पादुकोण की छपाक के साथ हुआ, दीपिका पादुकोण की छपाक के साथ में छपाक बायकॉट का एक ट्रेंड चलाया गया और छपाक को जब फ्लॉप हुई, जब सो कॉल्ड उतनी सफल नहीं हो पाई, तो लोगों ने यही कहा कि चूंकि उन्होंने एक खास आइडियोलॉजी का समर्थन किया था, इसलिए वो फिल्म उस तरह सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये बात आपकी सही है कि किसी भी घटना को एक ऐसी पिच पर ले जाया जाता है जिस पिच पर लोग शायद खेलने के आदी हो चुके हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि इस तरह से तो किसी भी इस तरह घटनाओं के सच जो है वो सामने नहीं आ पाएंगे। नहीं, सच का तो देखिए, मीडिया ट्रायल एक अलग चीज है। किसी भी चीज को लेकर मीडिया ट्रायल करना और सच का लाने का काम जो है वो मीडिया ट्रायल का नहीं है, सच का काम तो इन्वेस्टिगेशन का है। तो आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन किया भी नहीं है और लोगों ने इस घटना के लिए जो ताने हैं उनको हत्या का कसूरवार मानना शुरू कर दिया है। ये शायद हमारी टेंडेंसी भी बन गई है कि जो काम पुलिस व्यवस्था का है वो पुलिस नहीं करती, जो काम न्यायालय का है वो न्यायालय का नहीं करता। सारे काम, हम जितने भी सारे काम है उसको हम ट्विटर और फेसबुक पर हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर हमारा इंसाफ होता है और यहीं पर हमारी विचारधाराओं की हार्दिक होती है। मतलब इसमें सुशांत राजपूत जैसे एक स्थापित कलाकार को ऐसा करना क्यों पड़ा, कोई कारण उसका तो जरूर होगा। क्या रोहित हम उस किसी कारण पर या किसी आसपास हम पहुंच सकते हैं? बेशक ये मीडिया ट्रायल का एक हिस्सा हो सकता है,
लेकिन जो कोर्ट्स की प्रोसेस है या जो पुलिस की प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लेंथी होती हैं और इतनी लेंथी हो जाती हैं कि इसके बाद इस मसले पर क्या हुआ ये आता भी नहीं है, और बहुत आता भी है तो बहुत लेट में आता है। जैसे कि हम दिव्या भारती के बारे में बात करें, उसको लेकर के आज भी कहानियां बनी रहती हैं, और फिल्म से जुड़े लोगों का जैसे कोई एक जीवन, अलग तरह का जीवन भी लोग मान के चलते हैं, आम आदमी ये मान के चलता है, इनसे जुड़ी कहानियां आप कुछ भी बनाइए वो मसाला लगाकर बिकती रहती है। जी देखिए वरुण जी, बंद कमरे में क्या होता है, बंद कमरे में जो घटना घटती है उसमें सबके अपने अपने वर्जन होते हैं। उस सुशांत ने आत्महत्या क्यों की, इसमें सबके अपने अपने अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। लोग अपनी सुविधा से उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, कुछ ये कड़ी जोड़ रहे हैं कि कहीं पर ये मामला निजी है, कहीं पर कुछ लोग कड़ी जोड़ रहे हैं कि ये मामला प्रेम का है, और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कड़ी जोड़ रहे हैं कि उनके पास काम नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बहुत पीछे ना जाएं तो जब श्रीदेवी की मौत हुई थी, श्रीदेवी के मौत को लेकर ढेरों थ्योरीज आई, ढेरों बातें आई, अलग अलग तरह के उसके थॉट आए, अलग अलग तरह के उसके कंक्लूजन आए, अलग अलग तरह के मीडिया ट्रायल हुए, तो सब कुछ जो है लोगों ने अपने अपने अनुसार किया। लोगों के पास ऐसा युग है कि आपके पास एक घटना आती है, आप उसमें एंगेज हो जाते हैं, और जैसे ही वो घटना खत्म होती है आपको उसमें इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। तो श्रीदेवी की मौत का सच जानने में लोगों को तब तक दिलचस्पी थी जब तक उनके पास कोई और बड़ा इशू बात करने के लिए नहीं था। जैसे ही लोगों के पास एक और बड़ा इशू आया, लोगों को अब आज इस बात को जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि क्या श्रीदेवी की मौत क्या उस स्विमिंग पूल के टब में डूब के ही हुई थी, कुछ और हुआ था। उस समय उस दिन के में कही थी, तो आप ये पाएंगे कि आज हम उनको बैठे हैं और 16 जुलाई को कोई सुशांत के बारे में बात नहीं कर रहा होगा, किसी और मसले पर लोग बात कर रहे होंगे। तो लोगों के अंदर घटना पर एक अपनी तरफ से उसका निष्कर्ष निकाल लेने की स्वाभाविक टेंडेंसी होती है। किसी भी घटना पर अपने अनुसार तर्क और तथ्य इकट्ठा करके जमा करके उसका फैसला देने की प्रवृत्ति होती है। बहुत अच्छी बात आपने रोहित कही। तो ये रोहित देवेंद्र हैं जो फिल्म के बड़े जानकार हैं, और वो हमें बता रहे थे कि सुशांत की अगले लाइव में हम फिर किसी और एक्सपर्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ, इस पेज को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर नए एक्सपर्ट के साथ फिर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रोहित। शुक्रिया।